नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। गंज बासौदा सिटी थाना क्षेत्र के पुरानी मंडी परिसर के पीछे स्थित गोदाम में दोपहर को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सिटी थाना TI दलबल के साथ मौके पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 13 पुरानी गल्ला मंडी के पीछे वारदाना व्यापारी रमेश लोधी ने किराए पर ले रखा था, जो कि फिलहाल शहर से बाहर बताए जा रहे हैं। गोदाम में कितने का नुकसान हुआ है इसकी सटीक जानकारी वारदाना व्यापारी लोधी ही बता पाएंगे। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त नगर पालिका की दमकलों में काफ़ी खामियाँ नजर आई हैं। 3 दमकलों में से 1 दमकल के वाटर टैंक से रास्ते भर पानी बहता रहा, वहीं दूसरी दमकल की नाली कई जगह से क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसे उपस्थित नागरिकों द्वारा रस्सियों से बांधकर लीकेज को रोका गया, तब जाकर कहीं आग बुझाने का कार्य चालू हो सका। जब इस संबंध में नगर पालिका CMO से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तीनों फायर ब्रिगेड दुरुस्त अवस्था में है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फायरमैन की सूचना पर उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। जैसे ही हमको सूचना मिली तो वैसे पहुँचा हुआ है। वहाँ से ये भी रिपोर्ट आई है कि आग बुझाई गई, फायर ब्रिगेड में ही आग बुझाई। व्यापारी नाराज हो रहे हैं, फायर ब्रिगेड के पाइप टूटे हुए हैं, जगह जगह से रस्सियों से बांध के उनको काम चलाया जा रहा है। अगर कुछ इस तरह की होगी उसमें व्यवस्था हमारे पास लेटर रिटेन में आएगा कि व्यवस्था हम तुरंत कराएंगे। अभी हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड में कुछ समस्या थी, उसका हमने निराकरण। सर लाखों का मेंटेनेंस आता है इसका और उसके बाद भी अस्त व्यस्त रखी रहती है मौके। लाखों का मेंटेनेंस आता है, मतलब आप क्या तात्पर्य मतलब यानी कि मतलब है सर मेंटेनेंस मुझे मालूम है अति आवश्यक सेवाओं में आता है। कोई भी फायर ब्रिगेड से व्यवस्था संबंधित हमारे पास आता है उसमें बिल्कुल भी होने के ठीक है। आज अगर कोई इस तरह की शिकायत आए उसका यहाँ से 40-40 किलोमीटर तक फायर ब्रिगेड जाती है, निश्चित है जिसका उपयोग होगा कुछ न कुछ जो है इस तरह की दिक्कतें आएगी। जैसे ही आती है समस्या निराकरण किया जाता है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा फायर ब्रिगेड के नगर पालिका के पास कम है, ऐसा कुछ है क्या? 3 इस शहर के हिसाब से 3 फायर ब्रिगेड सफिशियंट है। इस बारे में शासन से चर्चा भी हुई, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जितने फायर ब्रिगेड की जरूरत है उतने पर्याप्त है, इससे ज्यादा गंगा पौधा भी उपलब्ध। नगर पालिका द्वारा जो फायर ब्रिगेड आई है उनमें पानी लीक हो रहा है तो क्या की फायर ब्रिगेड ने थोड़ी देर तो काम किया, उसके बाद बीच में से उनकी नली भी टूट गई, फिर उसको हम लोगों ने रस्सी से जोड़ा लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और थोड़ा बहुत काम उससे। इसमें नगर पालिका प्रशासन की कोई लापरवाही मानी जाएगी? नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि इनकी जो फायर ब्रिगेड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लगभग कितने का नुकसान होने की संभावना? अब ये तो क्या है, जो इनकी गोदाम है वो आज बाहर है, वो वासुदा में उपलब्ध नहीं है। जब वो आएंगे जब वो अपना स्टॉक बता पाएंगे कि लगभग इसमें कितना माल था, कितने का माल था, जब स्थिति एकदम क्लियर हो पाएगी। ठीक, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए गंज बासौदा से अर्पित जैन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।